सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बी रोल परफेक्ट मूव्स के बारे में। अगर आप बी रोल वीडियो को शूट कर रहे हैं, अब जैसा कि मैं बाहर आया हूँ और काफ़ी कमाल की लाइटिंग मुझे मिल रही है, जैसा कि आप मेरे फेस पे देख रहे हैं, सॉफ्ट सनलाइट आ रही है, तो आउटडोर कंडीशन में आप कैसे परफेक्ट मूव्स निकाल सकते हैं बी रोल वीडियो अगर आप शूट कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में अगेन हमारा साथ देने आई है साक्षी, तो वेलकम साक्षी टू चैनल। और बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है और बी रोल के बारे में कुछ सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए बी रोल वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बी रोल वीडियो के अंदर किस तरीके से हम परफेक्ट मूव्स क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले कैमरा सेटिंग्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, और जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वह सोनी अल्फा A6000, और जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ वह वाइड एंगल लेंस फिलहाल, उसके बाद में प्राइम लेंस यूज़ करूँगा 50mm। और सबसे पहले बी रोल वीडियो के अंदर अगर आप आउटडोर वीडियो को शूट करने हैं तो लाइटिंग कंडीशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। अब जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम काफ़ी अच्छी सनलाइट साक्षी के फेस पे आ रही है, तो सबसे पहला मूव मैं सनलाइट को कैप्चर करते ही लूँगा। तो चलिए इस मूव को लेकर हम देखते हैं। सो फाइनली अभी आपने जो पहला सीन देखा, अब ऐसे आपने सीन को रिवील करना है। स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि आपकी वीडियो स्टार्टिंग में ही इंटरेस्टिंग लगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने पहले अपने मॉडल का फेस हाईलाइट कर देना तो सारा का सारा वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पहली बार में ही। अब सबसे पहले जो सनफ्लेयर आ रहा है, जैसे कि आपने स्क्रीन पर भी देखा, जो पहला मूव लिया कितना कमाल का आया, देन उसी सीन को वाइड एंगल लेंस से मैं मल्टीपल एंगल से शूट करूँगा। जैसा कि साक्षी की जो ड्रेस है काफ़ी कमाल की है, और मुझे ड्रेस को भी हाईलाइट करना है, और मेरा जो बी रोल पार्ट है वो यही है कि मुझे अपने मॉडल को हाईलाइट करना है लोकेशंस को यूज़ करके। तो चलिए अब सारे मूव्स को करके हम देखते हैं। सो फाइनली मेरा पहला पार्ट, जैसा कि हमने कैसे स्टार्टिंग करनी है बी रोल मूव की, वो आप देख चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड मूव मींस कि सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे करूँगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पत्थर हैं, ठीक है, इनको हम काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि साक्षी वहाँ से चल के आएंगी, चल के आना साक्षी, और इस चीज़ को मैं स्लो मोशन में कैप्चर करूँगा और काफ़ी कमाल का हमें मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज साक्षी की ड्रेस को भी मुझे हाईलाइट करना है, और इस जो स्टोन्स यहाँ पे पड़े हैं इनकी वजह से हमें बहुत ही कमाल का एक सिनेमेटिक लुक हमारी वीडियोज़ के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सो फाइनली अभी आपने जो सेकंड पार्ट देखा, अब जैसा कि साक्षी की जो ड्रेस है उसको मुझे कैप्चर करना है, और लाइक कि जो ड्रेस है मॉडल का, मॉडल के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी हमारा लोकेशन है, उस सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके हमने सारी सारी शूटिंग करनी है। वैसे नहीं हमने कोई वीडियो देख ली, उस वीडियो को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा म्यूज़िक कुछ और है, हमारी थीम कुछ और है, मॉडल का एक्सप्रेशन कुछ और है, तो वो बात नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद अब जैसा कि साक्षी के पीछे आपको एक पुल दिख रहा होगा, थोड़ा साइड रहता है साक्षी, हाँ, तो यहाँ पर इस पुल के पास साक्षी चल के जाएंगी। देन इस सीन को भी मैं स्लो मोशन में कैप्चर करूँगा, और ये वाइड एंगल लेंस ही मैं ले रहा हूँ। देन उसके बाद हम फिर सारे क्लोजअप सीन्स लेंगे। तो चलिए इस मूव को लेके हम देखते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की, फ्रेमिंग की। हम हमेशा इसको मिस करते हैं। अगर हम वीडियोस को प्रॉपरली शूट करना चाहते हैं, बी रोल मूव्स ले रहे हैं, तो अगर हम उसमें फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो वीडियो उतनी प्रोफेशनल नहीं लगेगी। अब जैसा कि यहाँ पे मैं कैप्चर करने वाला हूँ साक्षी के सारे एक्सप्रेशन, और कुछ जो भी उनका खुद का स्टाइल है वही मैं दिखाने वाला हूँ। किसी चीज़ को कॉपी नहीं करूँगा कि कोई वीडियो देखे उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं पहले ले रहा हूँ इस लेंस से, वाइड एंगल लेंस से, देन मैं स्विच कर रहा हूँ 50mm 1.8 पे। तो चलिए सारे के सारे सीन्स को हम लेके देखते हैं। सो उसके बाद बात करते हैं कैमरा मूवमेंट्स के बारे में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपना कैमरा किस तरीके से मूव कर रहा हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से, या फिर मैं आसपास का एरिया इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं जस्ट स्टिल शूट करूँगा या फिर कुछ इस तरीके से कर दूंगा, तो वो मूवमेंट बी रोल के अंदर उतना सही नहीं लगता। आपने फ्री स्टाइल शूटिंग करनी है, आपने चेक करना है कि आपका कैमरा मूवमेंट कहाँ पे अच्छा क्रिएट हो रहा है। अब जैसा कि जो साक्षी की जो ड्रेस है, और काफ़ी कमाल की ड्रेस है, और इस ड्रेस को मैं अलग अलग डायरेक्शन से कैप्चर करने वाला हूँ, जो आइज़
का जो एक्सप्रेशन है वो भी, और देन जो इयररिंग्स हैं वो भी, और देन एक हाथ का क्लोज सीन लेंगे कि थोड़ा सा फिल्मी टाइप लगे, और जो मेरी बीरोल की थीम है वो है सिनेमैटिक। अब ये है कि कुछ कमर्शियल बीरोल होती हैं और कुछ अलग सी बीरोल होती हैं, तो बीरोल में भी फ़र्क होता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देन अब मैं यूज़ करने वाला हूँ 50mm 1.8 लेंस, तो चलिए इन सारे मूव्स को लेके हम देखते हैं। सो लास्ट मेरी लोकेशन यही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी कमाल की लोकेशन है, और यहाँ पे मैं सारे के सारा जो पार्ट है मेरा कंप्लीट करने वाला। अब जैसा कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी अब तक, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, कि मैं अपना जो मॉडल है, जो मेरे मॉडल हैं, उनको मैं मूवमेंट में रख रहा हूँ, अपने कैमरा मूवमेंट को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और इनका भी मूवमेंट ले रहा हूँ। मीन्स कि मेरा मॉडल और मेरा कैमरा दोनों मूवमेंट में है, जिसकी वजह से जो व्यूअर होगा आपको उसको लगेगा कि मूवमेंट काफ़ी सिनेमैटिक चल रहा है। अगर आप बीरोल वीडियो को शूट कर रहे हैं तो उसमें मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि आपने हर एक मूव को करते रहना तो वो भी इरिटेटिंग लगेगा। आपने चेक करना है कि आपके जो ऑडियो है, आपका जो म्यूज़िक है, वो कैसा है। देन उसके बाद अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कि जो आपको बैक साइड पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब जो भी साक्षी का स्टाइल है उसकी ड्रेस वगैरह को मैं कैप्चर करूँगा। ओके, देन फिर मैं कुछ क्लोजअप सीन्स लूँगा यहाँ पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं साक्षी को, ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो भी ज्वेलरी है, इयररिंग्स वगैरह जो भी डाले हुए हैं, इनको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। देन आपने एक एक चीज़ नोटिस करनी है कि मैं मूवमेंट को कैसे ले रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और एंड में आपको काफ़ी कमाल की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए सारे मूव्स को कंप्लीट करके हम देखते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और किस तरीके से हमने बिना इक्विपमेंट के साथ कमाल के बीरोल मूवमेंट्स क्रिएट करने हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और जो मेरा एंड का जो स्टाइल होता है बोलने का वो कंटिन्यू करेगी साक्षी। तो मैं माइक देता हूँ साक्षी को। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऑफकोर्स प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो ठीक है फिर, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।